चौथी तिमाही में एचसीएल टेक्नोलॉजी को 3154 करोड़ रुपए का मुनाफा, 2 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान। 600 डीलर्स के जरिए मारुति सुजुकी ने फिर शुरू की कारों की बिक्री, ग्राहकों को घर पर दी जाएगी डिलीवरी। मारुति सुजुकी मानेसर कारखाने में 12 मई से फिर शुरू करेगी उत्पादन, शुरुआत में एक शिफ्ट में होगा काम। रॉयल एनफील्ड ने अपने प्लांट्स में दोबारा शुरू किया उत्पादन, 120 डीलरशिप भी हुई ऑपरेशनल। इंश्योरेंस कारोबार की हिस्सेदारी बेचना चाहता है फ्यूचर ग्रुप, कोटक महिंद्रा बैंक समेत कई निवेशकों से चल रही है बातचीत। केयर्न ऑयल एंड गैस कारोबार में से 20% हिस्सेदारी बेचेगी वेदांता लिमिटेड, 7,500 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। वित्त मंत्री को पत्र भेजकर व्यापारियों ने कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन देने में चुकाई असमर्थता, सीआईटी ने कहा सरकार को 75% और कारोबारी देंगे 25% योगदान। राइड में भारी गिरावट आने के कारण उबर ने 14% वर्क फोर्स कम किया, लगभग 3700 फुल टाइम स्टाफ की छटनी की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेड्स में 13 करोड़ डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी, ई कॉमर्स में बड़ा दाव खेलने की तैयारी। पैसे निकालने के लिए नहीं जाना पड़ेगा एटीएम, पड़ोस के दुकानदार की पीओएस मशीन से 1% ट्रांजैक्शन चार्ज देकर ले सकेंगे कैश।